नताशा, आपका पहला रिएक्शन क्या है? आप रिलीज हुई हैं और आपके फादर नहीं हैं, वो एक दुख जरूर रहेगा, लेकिन आपके फूफा जी हैं और आपके फादर ने भी कहा कि वो आप पर काफी गर्व करते हैं, क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन तो अभी आई थिंक इट विल टेक टाइम टू सिंक इन, इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। और जिस तरीके से अभी दो दिन से और ड्रामा चल रहा था, हमें लग नहीं पा रहा था कि हम लोग जेल से बाहर निकल पाएंगे, और जेल से निकलते निकलते भी उन्होंने हमें निकालने के लिए पूरी जेल को बंद कर दिया था, तो हम लोग सबसे ठीक से मिल भी नहीं पाए। और जितना मतलब एक अचानक से हुआ कि बस चलो चलो चलो, तो अभी तक हम लोग थोड़ा मतलब ग्रास्प कर रहे हैं रियलिटी की, सच में हम एक खुले आसमान के नीचे है आज। नताशा, इतने आरोप लगाए गए आप लोगों के ऊपर, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में काफी अहम टिप्पणियां किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और टेररिस्ट एक्ट में एक रेखा होती है जो कि राज्य की नजर में धुंधली नहीं होनी चाहिए। आपने जेल में क्या कुछ सहा है, अगर उसके बारे में बताना चाहें? जेल में एक जो जेल का पूरा ढांचा है, जिस वजह से लोगों को जेल में रखा जाता है, अपने परिवार वालों से दूर, अपने दोस्तों से दूर, दुनिया से दूर, अपनी लाइफ से दूर, वो सब तो हमने झेला है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक जो हमारा, क्योंकि हमारा केस इतना हाईलाइटेड था, हम लोग का इतना सोशल सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, तो उसके कारण जितना बाकी लोगों को जेल में फेस करनी पड़ती है हैरेसमेंट, हमें उतनी हैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ी। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में भी बाहर वालों को बहुत, हमें सोशल ट्रायल भी किया गया आप लोगों को लेकर के, किसी ने कहा कि नहीं ये लोग आतंकवादी हैं, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, उसको कैसे फेस किया, मेंटली कितना मुश्किल था आपके लिए? मेंटली हमें शुरू में ऑफ कोर्स इट वाज लाइक समथिंग की बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, हमें लोग हमारे बारे में ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हमने ये किया है वो किया है, मतलब बहुत महीनों तक तो जेल में आने के बाद भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसे चार्जेस में हम जेल के अंदर है। मगर हमें जो बाहर और अंदर भी जो जेल में लोग रहते हैं, जो दिन रात स्ट्रगल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनसे जो हमें सपोर्ट मिलता रहा, जिसको भी हम बताते थे, हर कोई हंसता था हम पे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें देख के कौन कह सकता है ये बिल्कुल झूठे चार्जेस हैं। आप लोगों ने षड्यंत्र रचा, दिल्ली के दंगे आप लोगों ने रचे। अब हम यही बात जब अपने साथियों को जेल जो अंदर है उनको बताते थे, वो हमें हंसते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, किसी को भी आज तक विश्वास नहीं हुआ है कि हम सच बोल रहे हैं कि सच में हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशंस हैं। तो उसी से आई थिंक पता लगता है कि एलिगेशंस कितने मतलब हास्यजनक हैं। आपके पिता जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनको एक खौफ है कि महावीर जी आपके पिता को आखिरी बार नहीं मिल पाएंगे, वो कितना दुख है आपके लिए? वो दुख तो इतना है कि उसकी भरपाई कभी जिंदगी में हो नहीं सकती। और इस दिन भी मतलब हर समय मुझे यही लगता है कि कहीं से वो आ जाए, कहीं से मैं उनसे मिल लूं। लेकिन वो जब थे उन्होंने कहा कि वो आप पर प्राउड है, वो आप पर गर्व करते हैं, उन्होंने ये बात कही, आपके फूफा जी भी कह रहे थे कि वो आप पे गर्व करते हैं, आपकी आंटी भी कह रही थी आपको गर्व करते हैं, आपकी फैमिली यही कह रही है कि वो आप पर प्राउड थे और आपकी फैमिली आप पे प्राउड है। बोले 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 हाँ, उसी से हमें बहुत हिम्मत मिली है अंदर जेल में, सबके इतना सपोर्ट बाहर से जो हमें मिला है उसकी वजह से भी हम लोग ये एक साल काट पाए हैं, अपने आप को ठीक रख पाए हैं, तो उसके लिए भी मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।